ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये नेशनल हाईवे है अब, और ये मेरा खेत हुआ करता था। ये पूरा है मेरा खेत है, और ये जो सामने है इस तरफ दिखाइए भव्य, ये पुस्तकालय है जो हमारे दादाजी ने बनाया हुआ था। और ये जो सामने है ये सब सब खेत है हमारा, ये सब ये जो पूरी ज़मीन है वो हमारे खेत का हिस्सा था। ये मेरा पूरा बांस का बगीचा है, शीशम का पेड़ है, सामने आम का बगीचा है, और इधर ही पूरा हमारा उस तरफ का खेत है। और ये जो हाईवे बना है नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे सीतामढ़ी से इधर मुजफ्फरपुर को जोड़ता है, और ये नेशनल हाईवे अभी हाल के दिनों में बना है। कुछ दिन पहले तक ये खेत हुआ करता था, और इन्हीं ज़मीनों से जो है गांव के लोगों को, हमारे परिवार को भी मुआवजा मिला, और उसके बाद ये डेवलपमेंट है। यदि सड़क अभी कुछ दिन पहले तक इस जगह पे कोई बिजली नहीं थी 2017 से पहले, अब गांव में बिजली है। लोग बताते हैं कि 20 से 22 घंटे तक बिजली होती है, और गांव से ये नेशनल हाईवे निकल रहा है। ये सुकून देने वाला हाईवे है, और बीच बीच में इसे कट ऑफ किया गया है ताकि लोग अपने अपने गांव के अलग अलग हिस्से में जोड़ा जा सके। तो ये जो ढलान है यहाँ से उतरने का एक रास्ता बनाया गया है, और इस तरफ से सामने हमारा आगे की तरफ लगभग कुछ 100 मीटर पे हमारा घर है। और बचपन में इन सब ज़मीनों पे हमने अपने किसानों को, अपने मज़दूरों को घर में आकर के खेत खलिहानों पे हमने जो वो भोजन होता है वो घर से ला करके पहुँचाया हुआ है। और इन सब जगहों पे हल और बैल से हमने जुताई देखी हुई है, जिस पर ये नेशनल हाईवे है। और इसी अभी गाड़ी से हम मुजफ्फरपुर की तरफ जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये विकास दिखता है कि जिस बिहार में विकास का अभाव दिखता था, अब ज़मीन पर हम अपने गांव देहात में जब इसे देखते हैं तो निश्चित रूप से सुकून मिलता है, क्योंकि हमारा गांव मुजफ्फरपुर के आखिरी छोर पर है। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाला है हमारे जो पुरखों का जो ज़मीन है वो सीतामढ़ी में ज़्यादा है, और मुजफ्फरपुर में हमारा घर है। और ये दिखाई देता है, ये डेवलपमेंट जो निश्चित रूप से है, ये दिखाई देता है कि बिहार भी अब भारत के साथ आगे बढ़ रहा है।